अच्छा दिव्यांग है ना आप लोग जी, सभी लोग जी, सब लोग जी, सभी लोग जी। कौन जात हैं आप जी? आप हम जादो यादव। आप शर्मा जी? आप सानी जी हैं मला। आप क्या जोर से बोलिए? तुरहा। आप दीदी? आप दीदी साव जी महतो और तत्वा ब्राह्मण और सहनी तुरहा जी कुशवाहा जी पासवान जी कुशवाहा जी और पीछे क्या क्या चित्रंजन भैया जी। तब कौन जात हैं आप? हम तो राजपूत हैं। क्या है? राजपूत हैं। राजपूत हैं जी। तो जाति से हटकर जो है इस समाज में राजपूत हैं जी। दिव्यांग हैं जी। अभी तो यही बतवा तो हम आप लोगों को समझाए। चित्रंजन भैया पीछे छूट गए थे, सही है कि नहीं है? ये राजपूत जी हैं, उधर ब्राह्मण जी बैठे हुए हैं, इधर जादो जी बैठे हुए हैं, उधर पासवान जी बैठे हुए हैं, कुर्मी जी बैठे हुए हैं, कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, तुरहा जी बैठे हुए हैं, माझी जी बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लाचार गरीब हैं। जब तक आप लोग ऐसे ही बटे रहिएगा ना साव जी में, पासवान जी में, तुरहा जी में, यादव जी में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक आप लोगों का सिर्फ एक ही जात है कि आप लोग जो है गरीब है। क्या है? गरीब है। अच्छा जादो जी आपका नेता विधानसभा में है कि नहीं है? साव जी आपका नेता है कि नहीं है? कुशवाहा जी आपका नेता है कि नहीं है? ओ ब्राह्मण जी आपका नेता है कि नहीं है? काहे नहीं आवाज उठाता है लोग? काहे कि उन लोगों को पता है कि आप लोग जाति में बटे रहिएगा। आज चुनाव आएगा तो साव जी को वोट दे देंगे, ब्राह्मण जी को, कुशवाहा जी को, पासवान जी को, और यादव जी को। चाचा गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं ना? और आप जैसे लोग हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोगों को पुलिस उठाता है, जेल में डाल देता है, बिहार से लेके तमिलनाडु भेज देता है, NS लगा देता है, और हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं। काहे कि नेताजी को पता है जब जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों को जाति में बांट देगा। सही है कि नहीं है? सही है ना? तो आप जैसे बोले ना कि पंजाब में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, हरियाणा में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, तो बिहारों में मिल सकता है। और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को भारत के किसी भी राज्य में जितना पैसा सबसे ज्यादा कोई राज्य देता होगा, कोई भी राज्य, अब भारत का सारा राज्य उठा लीजिए और कोई भी राज्य जितना पैसा देता होगा उससे 100 रुपया ज्यादा आप लोगों को मिलेगा। पहला जो भत्ता है वो किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी में जितना आरक्षण आप लोगों को मिलता होगा सबसे ज्यादा, उतना यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले जादव जी आपको सिर्फ और सिर्फ एक जात बनना पड़ेगा, कुशवाहा जी एक जात बनना पड़ेगा, ब्राह्मण जी एक जात बनना पड़ेगा, पासवान जी एक जात बनना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? लेकिन हमको पता है हम यहाँ कितनों बकबकाएंगे, और आप लोग जब चुनाव आएगा 4 साल 11 महीना क्या 4 साल 11 महीना हम नेताजी को गरियाते हैं, और फिर 1 महीना चुनाव के समय में हम नेताजी के लिए किसी का भी कपार फाड़ देते हैं, कि नेताजी हमारे जात का है। सही बोल रहा है कि नहीं? और इसलिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेताजी लोगों को कोई मतलब नहीं है, काहे कि नेताजी लोग जातीय समीकरण साध के अपना टिकट कंफर्म कर लेगा, और उसके बाद से आप लोगों को तो वोट देना ही है, देना है कि नहीं है? आपकी बार नहीं, आपकी तो सब नेताजी लोग दिल्ली में है, आप लोगों का दर्द कौन देखेगा? अभी तो टिकट कंफर्मेशन कराने गए हैं वहां पे, आप लोगों का दर्द कौन देखेगा? जरूरत पड़ेगा तो मनीष कश्यप आएंगे, जरूरत पड़ेगा तो अनिकेत रंजन आएंगे,
आज जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम यहाँ से जैसे निकलेंगे वैसे आप ही लोगों में से फुदफुदाने लगिएगा कि मनीष कश्यप ये कौन जात है। अरे गूगल पे सबसे ज्यादा जात पूछा जाता है मेरे बारे में, जाके सर्च मारिए गूगल पे मनीष कश्यप का कौन सा जात है, जाके देखिए। आज मैं हम लोग पास ना सिस्टम वाला पावर है और ना सत्ता वाला पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है और ना सिस्टम, मतलब ना मैं आईएएस आईपीएस हूँ और ना ही मैं नेता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम जैसे लोगों से उम्मीद होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो आपको आपके विधायक से, आपको आपके सांसद से काहे नहीं उम्मीद होता है, काहे नहीं? क्योंकि ठोकर बार बार मारते हैं। क्योंकि आप ठोकर बार बार खाने वाला काम करते हैं, वो थोड़ी मारते हैं, आपका वही काम है। यहाँ ये जादव जी हैं तो तेजस्वी जी आके यहाँ एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, एक मिनट के लिए आके बैठ जाए, सिर्फ एक मिनट के लिए, है ना? वो ब्राह्मण जी हैं, उनका ब्राह्मण का नेता जो है विधानसभा में लोकसभा में, एक मिनट बैठ जाए। कुशवाहा जी है ना भैया, है ना? अभी वो कुशवाहा जी पे अटके हुए हैं, ठीक है? उनका नेता एक सेकंड के लिए बैठ जाए। इधर तुरहा जी है ना, एक सेकंड के लिए आपका नेता बैठ जाए, बैठेगा नहीं बैठेगा? वो काम करेगा, वो अपना भविष्य बनाएगा, उसके बाद से अपने बच्चों का भविष्य बनाएगा, आप लोगों का भविष्य नहीं बनाएगा। क्योंकि बिहार में क्या होता है कि या तो जात के नाम पे वोट दीजिएगा, या तो पार्टी के नाम पे, या तो पैसा के नाम पे। पार्टी के नाम पे कुछ लोग कहते हैं ना कि फलानुआ पार्टी से कुकुरो आ जाए तो हमनी के वोट दे दम सब, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमरा जाति का कोई आ जाएगा तो वोट दे देंगे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। तीनों कैटेगरी पे ना वोट देते हैं हम लोग, सही है कि नहीं है? हम गलत बोल रहे हैं तो यहीं पे काटिए आप लोग, इधर दिखाइए। सभी लोग दिव्यांग लोग हैं और बैठे हुए हैं लोग, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों को। तीन कैटेगरी, एगो तो जाति, एगो तो पार्टी और एगो पैसा, चौथा कोई कैटेगरी है नहीं है। खूब बढ़िया समझदार आदमी रहेगा, कहेगा कि दिल्ली में हम जो उसका सरकार है उसी को वोट देंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन काबिलियत के नाम पे कितने लोग वोट देते हैं, टैलेंट के नाम पे कितने लोग वोट देते हैं, ईमानदार प्रतिनिधि को कितने लोग चुनते हैं, आप लोग बताइए, हाथ उठाइए ईमानदारी से। अरे चाचा झूठ नहीं समझे हैं, यानी हमारा बात, काबिलियत के नाम पे एक आदमी वोट नहीं देता है। आज लालू जी के बच्चे का भविष्य बनाना है, इसलिए तेजस्वी जी को वोट देना है, सही है कि नहीं है? आज अपने बच्चे का भविष्य नहीं बनाना है, यो जादू जी है ना, है कि नहीं है जादू जी? है ना? ये आज इस स्थिति में काहे रहेंगे, इनका दर्द कोई क्यों नहीं समझेगा, क्यों नहीं? अगर वो श्री कृष्ण वंशी है तो ये श्री कृष्ण वंशी नहीं है, नहीं है, है ना? हम लोग तो सब भगवान के वंशज है ना, है ना? हम लोगों को तो, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो उस समय भगवान हमें इंसान के रूप में पैदा करता है, समाज ने ना हम लोगों को जाति में बांट दिया है। और हम सभी जिस दिन एक बिहारी हो जाएंगे ना, बिहार का एक एक समस्या का समाधान हो जाएगा, एक एक समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या करें, हम जाएंगे यहाँ से और फिर आप लोग वही जो करते हैं वही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा, अनिकेत भाई के ऊपर भरोसा नहीं होगा। गरीब का बेटा अगर आपके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो भरोसा नहीं होगा, लेकिन नेता और नेता के बच्चे पे भरोसा हो जाएगा। तो बदल दीजिए बिहार को, आप बदल दीजिए बिहार को। अरे 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है हमारी, कितना? 13 करोड़ 80 लाख जातीय जनगणना के हिसाब से। तो जातीय जनगणना के हिसाब से बताया जाए कि कितना दिव्यांग है गांव के समय में, हम लोगों को संख्या बढ़ जाता है। हाँ,
और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हमारा संख्या कम हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, चुनाव के समय जो वोटिंग कराना रहेगा तो उस समय तो देखिए यहाँ पे कितना उस क्या ढो ढो कर ले जाकर मतलब हम लोग से वोट दिलवाया जाता है। वही जब वोट खत्म हो जाता है तो हम लोग को पूछने वाला नहीं रहता है। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? गरीब लोगों का। किसका है? गरीब लोगों का। किसका है? गरीब लोगों का। और सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? गरीब लोगों का। और सबसे ज्यादा अमीर लोगों को वोट कौन देता है? गरीब। आप बताइए ना कि बिहार विधानसभा में 2020 में एगो गरीब का बेटा जीता हो? आप बताइए, एगो का नाम बताइए। हम जानते हैं 1990 में लोग जीतते थे, 1980 में लोग जीतते थे, 2015 में और 2020 में दो गो चुनाव हुआ ना, 2010 का जोड़ लीजिए, एगो गरीब का नाम बताइए, गरीब का लड़का या एगो गरीब बिहार विधानसभा में या बिहार के चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होता है बिहार में उसमें एगो गरीब का लड़का जीता हो? नहीं ना जीता है। तो सबसे ज्यादा वोट तो हम गरीबे ना अमीर को दे देते हैं, देते हैं ना। हम ले के जा रहे हैं, हम वीडियो में भी इसको लगा देंगे। हमारा जितना औकात था हमने आवाज उठाया, हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, पुलिस आप लोगों को छोड़ेगा, हम ही को पकड़ के लेके जाएगा। हुआ नहीं है, आर्मी वाला गिरफ्तार हुआ था, हम यों में ना बैठे थे ना, उसी के बाद ना सब लोग हमारे खिलाफ हो गए और हमको तमिलनाडु जेल में भेज दिया गया। हम मजदूरे का ना आवाज उठाए थे। बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में मार खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम तो ये बतवाना बोले थे, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों में समस्या होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हम ये बात बोल दिए तो हम देशद्रोही हो गए, काहे कि हम मजदूरों के लिए आवाज उठा दिए। हालांकि कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया। जो सही बोलेगा ना वही देशद्रोही हो जाएगा। लेकिन नेताजी के रैली में गांधी मैदान में 2-2 लाख 3-3 लाख लोग आ जाते हैं, हमारे लिए 1 लाख लोग सड़कों पे काहे नहीं आए? हम तो गरीबों के लिए ही आवाज उठाते थे ना। अनिकेत भाई यहाँ पे लड़ते रहे, सही है कि नहीं अनिकेत भाई? हालांकि बहुत सारे लोग साथ थे, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग नेता और नेता के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उस प्रकार से आप लोग अपने बच्चों के लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका सारा समस्या का समाधान होगा, और नहीं लड़िएगा तो आप लोग जो है इसी कष्ट में पैदा होइएगा, इसी कष्ट में जिंदगी चलेगा और इसी कष्ट में मर जाइएगा, आगे आपका बच्चा यही कष्ट झेलेगा, कुछ नहीं होगा। अभी कै बजा था, कितना बज रहा है आप लोग बताइए? 10। कितना टाइम हो रहा है? 10 बजे रात हो रहा है ना, रात हो रहा है ना। इस समय नेताजी लोग अपना सेटिंग कर रहे होंगे एयर कंडीशन कमरा में बैठ के, सही है कि नहीं है? सही है ना, सब सेटिंग हो रहा होगा। इस ठेकेदार से इतना पैसा ले लेना है, इस यहाँ से इतना पैसा ले लेना है, चुनाव के समय में इतना करोड़ रुपया खर्चा कर देना है, इस पंचायत में इतना पैसा पहुँचा देना है, इस दलाल को इतना पैसा दे देना है, ऐसे यहाँ से हई जाति का वोट ऐसे ले लेना, हऊ जाति का वोट ऐसे ले लेना, उस जाति का वोट लेने के लिए उसको सामने कर दिया जाएगा, इस जाति का वोट लेने के लिए इसको सामने कर दिया जाएगा, यही ना सेटिंग हो रहा होगा कि ई सेटिंग नहीं ना हो रहा होगा कि दिव्यांगों का मदद करना है, गरीबों का मदद करना है, रोजगार का व्यवस्था करना है, इंडस्ट्री का व्यवस्था करना है, ये तो काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन जो इस काम के लिए लड़ता है उसके साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? हम लोगों के साथ जो लोग खड़ा होते हैं उनके साथ हम लोग खड़ा होते हैं। अनिकेत भाई है, दिव्यांग के साथ जो लोग खड़ा होगा पूरा दिव्यांग आवाम उनके साथ खड़ा रहता है। आज हम लोग मजबूर है तभी नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, शौक से तो बैठे हुए नहीं है। तो इसलिए हमारी लड़ाई में जो आगे आएगा हम लोग एकदम उनके साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज अपने लिए बैठे हैं, कल आपके लिए भी जरूरत पड़ेगी तो बैठेंगे। ताली बजाइए भैया के लिए। ये हुआ बात, और हम लोग आप लोगों के साथ है। का जब भी धरना होता है हमको बुलाता है लोग, इन लोग के हर धरना में बैठे हैं, वहाँ भी बैठा था लोग इसके पहले, लोग हर जगह हम बैठते हैं इन लोग के साथ में। देखिए समय है, सही समय है, सही लोगों को चुनिए ताकि वो जाए आगे और आप लोगों की बातों को उठाए। और नहीं तो आप लोग बताइए, एगो विधायक और एगो सांसद का नाम सब लोगों के पास मोबाइल है, जो आप लोगों की बातें विधानसभा और लोकसभा में दमदार तरीके से उठाया हो। कोई नहीं। नाम बताइए ना, एगो का तो नाम बताइए ना। आपको हम पे भरोसा है?
हम 3000 पेंशन के लिए आवाज उठाएंगे, हम 3000 पेंशन के लिए आप लोगों के लिए लड़ेंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन हमारे पास पावर रहेगा तब ना, अब पावर नहीं रहेगा तो खाली वीडियो बना सकते हैं। ऐ सही कह रहे हैं कि नहीं है चाचा? हंस रहा है, खैनी बना रहे हैं, हंस रहा है चाचा आपसे। हमारे पास पावर नहीं रहेगा तो खाली वीडियो बनाएंगे, पावर रहेगा तो पावर के साथ आवाज उठाएंगे। सब लोग देश से प्यार करते हैं, करते हैं ना? देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ेंगे ना, लड़ेंगे ना। तो हम देश से बेहद प्यार करते हैं, आप लोग भी देश से बेहद प्यार करते हैं। तो सब लोग आखिरी में जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए।